हमारे पास बहुत सारे चपले अपने बालों पर पेंट कराने आते हैं जी, इनको सफेद रंग पसंद था और ये भाई साहब को चेरी ब्लॉसम का पेड़ बनना था। ये नीला झिंगूर, ये झिंगूर का भाई। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इतने दिनों बाद ये सुंदर चेहरा देखा कैसा लग रहा हूँ मैं। एकदम बच्चा चोर। ये मुझे टोपी इसलिए पहना रहा है क्योंकि जलता है मेरे हेयर स्टाइल से। उससे अच्छा तो छपरियों का हेयर स्टाइल होता है जैसे ये। अब आप ही बताओ इन दोनों में से चड्डी बेचने वाला कौन लग रहा है। What the fuck is this piece of shit? Welcome boys. जिंदगी में ना सब लोंडो की सबसे अच्छा हेयर स्टाइल कराने की चाहत होती है, पर क्या हो अगर तुम्हारा बार बार उसी दिन अपनी घरवाली से लड़कर आया हो। आई हाय, ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में बार बार भैया ने घास काटने वाली मशीन चला दी सिर पे। बस लगता है भाई ने चाइनीज मूवी के इस अंकल को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। ओ साहब जी, अकल के अंधो, अंकल की मूछे नाक के नीचे है, माथे के ऊपर नहीं। अभी तो अच्छा है इसने अंकल को बिना कपड़ों के नहीं देखा। हाँ जी भाई साहब, कैसा हेयर स्टाइल बना दूं? कैरी भाई के गोटे बना दो। क्या तुम्हें भी तुम्हारी मम्मी बाहर सब्जी लेने भेजती है और तुम्हें थैला उठाने में शर्म आती है? तो मेरे भाइयों, ये हेयर स्टाइल है तुम्हारे लिए। हाँ, सब्जियां छुपाने के साथ साथ तुम इसमें 4-5 कबूतर भी रख लेना। अबे साले, छपरी हेयर स्टाइल में एक कैटेगरी और भी है। अरे वही यार, आड़ू जैसे बाल। अरे हंसो मत भाई, पार्ट टाइम झाड़ू का काम भी करता है। अब छपरियों के बात हो ही रही है तो कुछ छपरी ऐसे भी हैं जिन्हें बालों के साथ रंगोली खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। काश चुटकी मारने से तुम गायब भी हो जाते। और मुझे ये बताओ, इतने मजबूर चेहरे क्यों हैं तुम लोगों के? ये क्या शक्ल है भाई, बस इससे ज्यादा और मत स्माइल करियो, कहीं पास वाले को मुंह में ही ले ले। देखो देखो, साथ वाला भाई अंजाम देखकर हंस रहा है इसका। चलो एटलीस्ट हमारे इंडिया में बच्चों के हेयर स्टाइल तो ठीक होते हैं। तुम कभी रास्ते में चलते हो तो तुम्हारा लुक देखकर कभी कोई कुछ बोलता है या फिर कभी किसी ने टोका है क्या? मैं तो कभी ना टोकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगले दिन अखबार में मेरी एक झाड़ू से पिटने की खबर छपे। बहुत कोई मुझे देख के बोलता है, देख ये लेडीज देख रहा है, ये वो, ये मुझे गंदा दिख रहा है। मेरे को सबसे नहीं फर्क पड़ता ना मैम। फर्क तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर भाई ने गलती से भी टेंशन ले ली ना तो अर्थी में सिर्फ बाल उठेंगे। कूल नहीं काटो वाला फूल लग रहा है तू। ये साइड वाले भाई को बिल्कुल नहीं पता ये इन बंदरों के साथ क्यों फंस गया। भाई जाने दे, मम्मी ने देख लिया तो रात फुटपाथ पे गुजारनी पड़ेगी। बात तो सही है। तो बस यार, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि ये बंदा हमारे सपने में आके गाली दे, तुम लाइक कर दो और हाँ सब्सक्राइब भी करो बॉयज की, अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसा ही कंटेंट और ज्यादा डालें। हले तो इन्हें अंकल देखे नहीं लगे।